8400400400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, उस सवाल की आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है बायोलॉजी टेस्ट टर्म 1 का, ये आई थिंक सेकेंड टेस्ट है 11th क्लास का, जो 4/12/2021 को हुआ है। तो जल्दी से आप इसके सॉल्यूशंस देख सकते हो ना। एसोसिएटेड बिटवीन अ रूट्स ऑफ अ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ स्पीशीज, ए इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडिबल फंजाई, तो इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन सही है। फ्यूजन ऑफ अ टू जमेट्स विच आर अ डिसिमिलर इन अ साइज इज कॉल्ड, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ए एंड बी। इसमें आइसोगैमी एंड ओगैमी दोनों ही सही हैं, तो दोनों ऑप्शन पे आप टिक लगा सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड एल्गी, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगी। द सेल वॉल ऑफ अ फंजाई इज अ मेड अप ऑफ चिटिन, ए ऑप्शन। बर्ड्स एंड मैमल्स आर, ये वार्म ब्लडेड होती हैं। 7th क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है। और 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव अ बाइलेटरल सिमेट्री, तो एनिलीड्स, ये सी ऑप्शन है। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्कॉर्पियन, तो 9th का ए ऑप्शन सही है। रूट्स डिवेलप इन अ फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड, तो इसमें हमारी सी ऑप्शन सही है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 11th के लिए हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो जिंजर है वो एडिबल पार्ट उसका अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं 11th का बी ऑप्शन। 12th के लिए बी ऑप्शन सही है। द ऑर्डर ऑफ ओपनिंग एंड फ्लोरल पार्ट्स फ्रॉम द पेरिफेरी टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड, तो सेंट्रिपेटल बोलते हैं इसको हम। फाइलोटैक्सी लीव्स का अरेंजमेंट होता है ये, तो इसमें हमारी सी ऑप्शन आएगी 13 के लिए। 14 के लिए हमारी डी ऑप्शन सही है, डाइकोट स्टेम। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, तो 15 के लिए द एनुअल रिंग द लाइट कलर वुड मीन्स, 15 के लिए हमारी बी ऑप्शन सही है। 16 की बात करें हम तो पेटोल एंड इंटरनोड, ए ऑप्शन सही है। न्यूक्लियोटाइड आरबीसी इज अ फाउंड इन मैन में होती है, मतलब कि ए ऑप्शन। द पॉलीसेक्राइड कॉन्स्टिट्यूंट्स फाउंड इन अ मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज ऑफ, इसके लिए हम सी ऑप्शन को सही मान सकते हैं। नाउ 19th के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कॉन्स्टिट्यूट डैश नर्वस टिश्यू, तो आप जानते हो तो न्यूरॉन है, लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हो आप, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इन अ गिवन फिगर में 1 and 2 क्या बता रहा है हमको, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। 21 के लिए, द बेस्ट स्टेज इन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंटेड इन द स्पीशीज आर, तो इसके लिए हमारी बी ऑप्शन सही रहेगी, मेटाफेज। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वीरियोइड के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगी। और 23rd है द प्लांट्स हैविंग द गिवन फ्लोरल डायग्राम, तो 23rd के लिए हमारे पास सी ऑप्शन इसमें सही रहेगी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 पे, द न्यू सेल जनरेट फ्रॉम, सी ऑप्शन, प्री एग्जिस्टिंग सेल। 25 के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकेरियोट, तो इसके लिए बी ऑप्शन सही रहेगी। 25th के लिए, 26th के लिए हमारे पास है, 26th क्वेश्चन के लिए, द स्टेन यूज टू विजुलाइज माइकोकॉन्ड्रिया इज, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगी, जीनस ग्रीन। द मोस्ट अबंडेंट लिविंग इन ऑर्गेनिजम्स कुड बी, इसमें वाटर सही रहेगा, बी ऑप्शन। ग्लाइकोजन के लिए, इज अ होमो पॉलीमर मेड ऑफ ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन, तो इसका 28 का ए ऑप्शन है। 29 के लिए, द अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव टू एंड्स, तो ए ऑप्शन सही रहेगी। म्योसिस रिजल्ट इन, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव। म्योसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग होता है ये। सेल विच आर नॉट डिवाइडेड आर द लाइकली टू बी एट, तो ये जी जीरो होगा, यानी कि हमारी सी ऑप्शन आएगी 32 के लिए। 33 के लिए, वॉट इज रिलीज एज अ ड्रॉपलेट इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इसको हम, जो कि हमारा बी ऑप्शन है 33 के लिए। 34 है, लॉस ऑफ लिक्विड वाटर बाय द ग्यूटेशन अक्कर थ्रू, ये हमारा ए ऑप्शन सही रहेगी 34th के लिए। और लास्ट है 25th, द कोहेजन एंड द एडेशन थ्योरी इज अदरवाइज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, ये 35 का लास्ट यानी कि डी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका वीकली जो रिवीजन टेस्ट हुआ है 4th 12th को, तो आई होप आपको इससे हेल्प होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।